गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों अभी सुबह के 6:04 हो रहा है। इस समय का व्यू कुछ इस प्रकार का है, देख सकते हैं। और अभी सूर्योदय हो रहा है, देख सकते हैं। तो सूर्य दर्शन कीजिए दोस्तों, कितना प्यारा सा व्यू है। जय सूर्यदेव, जय सूर्यदेव। तो चलिए दोस्तों, अभी आ चुका हूँ सब दिन की तरह फिर से घूमने। अभी चलते हैं, अभी सरे से घूम के आते हैं। अभी आते हैं उधर से थोड़ा सा खेत। फाइनली दोस्तों अभी खेत में आ गया, और इसी में जो है ना मसूरी है, देख सकते हैं। तो ऐसी मसूरी को उखाड़ना है, तो चलते हैं उखाड़ते हैं थोड़ा सा, जब तक हमारा टाइम है खाली 8:30-9 बजे तक, उसके बाद में चलेंगे। तो चलिए दोस्तों उखाड़ते हैं, देख सकते हैं 9 बजे तक, 9:45 बजे तक उखाड़ेंगे, जब तक समय हमारा है तब तक। उसके बाद में फिर 9 बजे से चले जाएंगे, स्नान स्नान करेंगे, नहाएंगे, फिर 9:30 बजे से जाएंगे फेरी में, तब तक उखाड़ते हैं। तो दोस्तों अभी इतना उखड़ गया, देख सकते हैं, और काटे काटे अभी पूरा लगा हुआ है। इधर माई और बहन उखाड़ रही है, तो इधर अभी हरा है, तो ये सब बाद में उखाड़ेंगे। और अभी टाइम हो गया है 8, तो अभी सबको एक तर जमा कर देते हैं, सबको पहले जमा कर लेते हैं। तो दोस्तों सारे को सरिया लिया, देख सकते हैं एक तर कर दिया, और काते काते खाली रह गया है इतना। तो अब चलते हैं दोस्तों, अभी टाइम हमारा हो गया है 8:30, टाइम हो गया है, तो अभी चलते हैं सीधे घर। अभी दोस्तों आज जो है ना बहुत दिनों बाद आज गया हूँ खेत में काम करने, और खेत में काम करने में फेरी करने में क्या अंतर है। और मेरे को क्या हो रहा है दोस्तों कि जब फेरी करना स्टार्ट कर देता हूँ, फेरी करने लगता हूँ, तो खेत में काम करने का मन नहीं करता है, और जब काम खेत में करने लगता हूँ तो फेरी करने का मन नहीं करता है। क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे खुद भी पता नहीं चल रहा है। तो चलिए थोड़ा सा 2-2.5 घंटा काम किए हैं सुबह सुबह, और अभी चलते हैं घर पर। अभी 8:30 हो गया है, चल के स्नान करेंगे, खाना वाना खाएंगे, फिर 9:30 बजे 9:45 बजे से फेरी पर निकलेंगे। चलिए दोस्तों अभी मैं घर पर से जो है ना निकल चुका हूँ फेरी के लिए, देख सकते हैं, और टाइम अभी 10 बज रहा है। तो चलिए दोस्तों फिलहाल घूमते हैं और देखते हैं आज का दिनचर्या कैसा रहता है, कितना का सेल हो पता है। फिलहाल फर्स्ट मॉर्निंग होने के बाद फिर मिलते हैं, धूप काफ़ी है आज भी। फाइनली दोस्तों पहला बोहनी हो चुका है, बिक्री नहीं हुआ है, बोहनी हो गया है, उधारी मिला है 20 रुपये ना उसी से। तो चलिए बोहनी तो अभी हो गया है, फिलहाल चलते हैं घूमते हैं, टाइम अभी 10:45 हो गया है। फाइनली दोस्तों अभी हमने 2 गांव घूमा है, और एक छोटा हॉस्टल, यानी कि 2 गांव पूरा कम्प्लीट किया हूँ, और 800 का सेल हो गया है अभी तक। और टाइम की बात करें तो टाइम हो गया है 12:15, तो अभी चलते हैं। फिलहाल अभी बेदौल में घूमा हूँ, जो कि सीवर जिला में पड़ता है, अभी चलते हैं मदन छपरा और बेदौल घूमेंगे, फिर मिलते हैं दोस्तों। अभी 12:15 हो रहा है, तो मनन छपरा और बेदौल घूम करके फिर मिलते हैं, देखते हैं कितना का सेल होता है दोनों गांव में। दोस्तों अभी पिछला गांव मदन छपरा घूमा हूँ, इस गांव में अभी एक भी बिक्री नहीं हुआ है। अभी फिलहाल चलते हैं बेदौल में, 2 गो बेदौल था, 2 गो बेदौल घूमा हूँ, जहाँ पर बात कर रहा था उस समय, और अभी दूसरा वाला बेदौल पर घूमता हूँ। 2 बेदौल एक ही जगह है, चलते हैं दोस्तों ये बेदौल घूम करके फिर मिलते हैं, देखते हैं कितना का सेल होता है इस गांव में। दोस्तों बेदौल गांव की भी घूम लिया, और इस गांव में 600 का सेल हुआ है, इससे पीछे वाला गांव में हुआ था नहीं हुआ था, मदन छपरा में एक भी नहीं हुआ था, तो इस गांव में 600 का सेल हो गया है। फिलहाल चलते हैं अगला गाँव, अगला गाँव किधर जाए, पश्चिम साइड में इधर जाएंगे तो बसंत पट्टी पड़ता है, और पूर्व साइड में इधर सिंहरबा, तो कहाँ जाए, चलते हैं दोस्तों बसंत पट्टी घूमते हैं, बसंत पट्टी पूर्णिया। तो चलिए फिलहाल घूम के फिर मिलते हैं, टाइम अभी 2 बज रहा है, यानी कि 2 गांव में 2 घंटा समय लग गया है। तो चलते हैं दोस्तों बसंत पट्टी घूम के फिर मिलते हैं। हाँ दोस्तों अभी मैं बसंत पट्टी में घूम लिया है, और इस बसंत पट्टी गांव में लगभग 300 का सेल हुआ है बस, और अभी मैं होटल में नाश्ता कर रहा हूँ, देख सकते हैं। तो चलते हैं नाश्ता करके फिर चलेंगे पूर्णिया की तरफ, तो पहले नाश्ता कर लेते हैं। हाँ दोस्तों अभी नाश्ता करके और पूर्णिया में घूमा हूँ, बसंत पट्टी के बगल में ही पूर्णिया है, तो पूर्णिया घुमा हूँ। पूर्णिया में लगभग 500-600 का सेल हुआ है, और अभी चलते हैं डायरेक्ट घर की तरफ, क्योंकि दोस्तों अभी सूर्यास्त हो चुका है, पेट डूब चुका है, तो चलते हैं डायरेक्ट अब घर की तरफ।
रास्ते में दिखता है कि नहीं देखते हैं। चलिए फिलहाल दोस्तों चलते हैं घर पे मिलते हैं। और टाइम हो गया अभी 6:15, अंधेरा हो गया है। आते आते रास्ते में नहीं बिका है, उधार था वो पाई है वो भी नहीं मिला है। सुबह बोला था कि उधर से आना तो देंगे लेकिन नहीं दिया है, बोला कल सुबह, देखते हैं कल मिलता है कि नहीं। चलिए अभी फिलहाल दोस्तों आ गया घर पर, सामान उतार लिया, देख सकते हैं गमछा भी इधर उतार दिया है। अब चलते हैं, सारे को गिनती करते हैं कितना हुआ है, देख सकते हैं इसमें जो है ना सब नोट है, 100, 50, 200, 500, 100 है, तो सारे को गिनती करते हैं टोटल कितना होता है। और इधर चिलर भी है, खुदरा भी है, तो चलिए सारे को पहले सरिया लेते हैं उसके बाद में गिनती करते हैं कितना होता है टोटल। चलिए तो सबको सरिया लेते हैं, सबको सरिया लेते हैं पहले अच्छा से कितना होता है। आज 100 का नोट सब जो है ना करवा सब नया नया नोट है, इतना 100 का है सब नया नया। वैल्यू तो 100 रुपये का 100 ही रुपया रहता है दोस्तों, लेकिन जब नया नोट हाथ में पकड़ते हैं मजा आ जाता है। चलिए गिनती कर लेते हैं, 50 तो थोड़ा पुराना है, 50 का नोट अच्छा कितना भी नया रहे लेकिन वैल्यू तो उतना ही रहेगा, 100 है तो 100 ही रुपया रहेगा, 110 थोड़ी हो जाएगा। लेकिन जब नया नोट हाथ में पकड़ दे तो मजा आता है, दिल खुश हो जाता है। तो हो गया दोस्तों, देख सकते हैं पूरा 500, 200, 100, 50, 20, 10 सब नोट है इसी में। अब सारे को गिनती करते हैं, किस तरह से गिनती करते हैं तो कैसे गिनती करें, कैसे ऐसे गिनती करने का मतलब है आया गया, लेकिन दोस्तों सही तरीका गिनती करने का ऐसा है, इस तरह से गिनती करना चाहिए क्योंकि पैसा अंदर हमारे पास आना चाहिए। ऐसे गिनती करेंगे ऐसे तरीक़े से गिनती करने का, तो 5, 10, 15, 17, 18, 19, 20 लाइट कट गया टॉर्च किधर है भाई, लाइट कट गया दोस्तों। चलिए गिनती करते हैं 5, 10, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 26, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 200, 26, 28, 1, 3, 4, 5, 6 तो दोस्तों 2960 रुपया है हमारे पास में, जिसमें मैं 300 रुपया लेकर गया हुआ था, तो 2660 का आज सेल हुआ। तो चलिए सेल अच्छा हुआ है दोस्तों, हमको जिस तरह से हो रहा था उस तरह से नहीं लग रहा था कि होगा, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ही करते करते अच्छा सेल हुआ शाम को। तो चलिए आज के वीडियो कैसा लगा, कैसा वीडियो आ रहा है मुझे पता तो नहीं चल रहा है, मोबाइल का टॉर्च जलाया हूँ हैंड का, तो किस तरह का व्यू है आप लोग कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल सुबह एक और न्यू वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट।